हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका जे मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम एक नई और वैकेंसी के साथ यहाँ पे SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दोस्तों नई जो पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों SO पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है स्टेट बैंक ने जो है वैकेंसी जारी की है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि दोस्तों मैं स्टार्टिंग डेट आपको बता दूं 20 मार्च 2018 है और क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म की वो है 7 अप्रैल 2018। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं जनरल और OBC के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, SC और ST PWD के लिए 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। आप जो है फ़ीस को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से फिल कर सकते हैं। दोस्तों लोकेशन की बात कर लें तो ऑल इंडिया में कोई भी कैंडिडेट्स को जो है कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की मैं यहाँ पे बात करूँ, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी जा रही है दोस्तों, 3 या 4 पोस्ट यहाँ पे दी जाती है और 3 और 4 पोस्ट में से दोस्तों अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें कि स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 30 साल से लेकर के 40 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ के अंदर दोस्तों यहाँ पर 42 से 52 साल यहाँ पर दी जा रही है एज। डिप्टी मैनेजर लॉ के लिए दोस्तों यहाँ पर 25 से 35 साल यहाँ पे दी गई है एज। दोस्तों एज की अगर मैं बात करूँ, एज रिलेक्शन आपको एज गवर्नमेंट पर जो है आपको दिया जाएगा, रिलेक्सेशन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अप्लाई करने का जो है मोड वो है ऑनलाइन। और दोस्तों पोस्ट नेम यहाँ पे स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों जो दी जा रही है वो है 144 पोस्ट पर, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि बात कर ले दोस्तों यहाँ पे स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव रेगुलर के अंदर जो आता है वो है 35 पोस्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ के अंदर जो आता है वो है 42 पोस्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ रेगुलर के अंदर जो आता है वो है 42 पोस्ट और डिप्टी मैनेजर लॉ रेगुलर के अंदर जो आता है वो है 25 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव रेगुलर के अंदर 2 साल का फुल टाइम CA आपको यहाँ पे चाहिए, MBA चाहिए, ACS चाहिए। दोस्तों कोई भी डिग्री आपको यहाँ पे है 2 साल का आपको यहाँ पे चाहिए इन फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर से आपको ये 2 साल का एक्सपीरियंस, ये 2 साल का आपको फुल टाइम जो है ये चीज़ डिग्री होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे, या फिर 2 साल का फुल टाइम PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन फाइनेंस, फाइनेंस में आपको PG डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट बॉडीज यानी AICT से आपका जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिवेलेंट फील्ड से मांगा गया है, यानी फाइनेंस से आपको मांगा गया, फाइनेंस यहाँ पर फील्ड रहने वाला है तो उससे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए दोस्तों। डिप्टी जनरल मैनेजर की लॉ के अंदर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए 3 साल या 5 साल की और मिनिमम 17 साल का एक्सपीरियंस आपको लॉ से यानी एडवोकेट से आपका जो है 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ के अंदर रेगुलर में हम बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की 3 साल या 5 साल की और 17 साल का उस इसमें भी जो है आपके पास मिनिमम जो है 17 साल का एक्सपीरियंस रेवलेंट फील्ड से यानी लॉ से आपके पास होना ज़रूरी है। डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए दोस्तों लॉ के अंदर रेगुलर में वही लॉ की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस रेवलेंट फील्ड से आपको होना कंपलसरी है। पे स्केल की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल यहाँ पे दी जा रही है। स्पेशल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों 42,000 से लेकर के 51,490 तक की पर मंथ सैलरी यहाँ पे दी जाएगी और डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ के अंदर आपको 68,680 से लेकर के 74,520 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। डिप्टी मैनेजर लॉ के अंदर दोस्तों 31,705 से लेकर के दोस्तों 45,950 पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई किस तरह करना है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं दोस्तों यहाँ पे वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, स्टेट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों वहाँ पर जाकर के, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो है स्टेट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर के रिक्रूटमेंट में जाकर के वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि 20 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, क्या क्या आपको चाहिए ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे फॉर्म फिल करते समय वो है ब्रीफ रिज्यूम, अपना रिज्यूम जो है ब्रीफली जो है आप वहाँ पे जो है अपलोड करेंगे, ID प्रूफ आप अपना अपलोड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जिसमें से कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी जिसमें आपकी डेट मेंशन होती है
डेट ऑफ बर्थ उसको आप अपलोड करेंगे, आपका क्या एजुकेशन है वो आप उसका सर्टिफिकेट आप जो है अपलोड करेंगे, एक्सपीरियंस क्या है आपका वो भी अपलोड करेंगे, ई रिसिप्ट जो है आप उसको भी अपलोड करेंगे, इसमें फॉर्म 16 आता है वो भी आप इसमें अपलोड करेंगे, और फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर भी आप इसमें अपलोड करेंगे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप अपलोड करने वाले हैं। और दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो आपका जो दोस्तों राइटिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू यहाँ पे आपका लिया जाएगा, और उसके बाद आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन में जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये SBI के अंदर स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के लिए जो है दोस्तों 144 पोस्ट पर जो है भर्ती निकाली गई है और वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। 20 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक जो है आप इसको फिल कर सकते हैं। और दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट रहने के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ रिक्रूटमेंट से लेकर के दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। थैंक यू दोस्तों।